अखिल भारतीय भोजपुर जिला कांग्रेस कमेटी के द्वारा आज एक दिवसीय प्रदर्शन आरा शहर के LIC के समक्ष किया गया। जिला कांग्रेस के सभी नेता व कार्यकर्ता इस दौरान उपस्थित रहे। जिला अध्यक्ष त्रिवेणी प्रसाद सिंह की अध्यक्षता में यह विरोध प्रदर्शन आयोजित किया गया, जिसमें पिछले दिनों हेडनबर्ग द्वारा अडानी ग्रुप पर किए गए खुलासे पर, देश के गरीब मजदूरों किसानों का रुपया क्या हुए घोटालों पर तथा मोदी सरकार के चुप्पी के विरोध एवं अडानी ग्रुप के कंपनियों को दिए गए लोन की जांच संसदीय संयुक्त जांच नहीं कराने के खिलाफ यह विरोध प्रदर्शन आयोजित किया गया, जिसमें वरीय कांग्रेस नेता शशिभूषण पांडे भी शामिल हुए। प्रदर्शन में भोजपुर जिला कांग्रेस के प्रवेक्षक डॉ. शशिभूषण पांडे ने कहा कि मोदी सरकार के गलत नीतियों के कारण आज देश आर्थिक संकट से जूझ रहा है। मोदी सरकार जब से बनी है तब से आज तक जितने घोटालेबाज हुए वह देश से सुरक्षित बाहर कैसे चले गए? आज नहीं तो कल अडानी भी भागेंगे। अगर देश में कोई घोटाला नहीं हुआ है तो मोदी सरकार जांच से घबरा रही है। अपने अध्यक्षीय संबोधन में जिलाध्यक्ष त्रिवेणी प्रसाद सिंह ने कहा कि मोदी राज में केवल घोटाला का ही विकास हुआ, आम जनता को कोई भी विकास नहीं हुआ। जिस जिस घोटालेबाज का विकास हुआ वह देश छोड़कर सुरक्षित चले गए और मोदी सरकार सोती रही। आज अडानी ग्रुप का घोटाला की जांच मोदी जी नहीं कराएंगे क्योंकि अडानी उनके प्रिय हैं। अगर देश विकास कर रहा है तो इतनी बेरोजगारी क्यों, इतनी महंगाई क्यों? सरकार के पास कोई जवाब नहीं। जब तक अडानी ग्रुप द्वारा किए गए घोटालों की जाँच नहीं होती तब तक कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता आंदोलन जारी रखेंगे। प्रदर्शन में पन्नक कुमार त्रिपाठी, जंग बहादुर सिंह, फातिमा जरी, पप्पू सिंह, मुन्ना पासवान, सत्येंद्र सिंह, मनोज कुमार, अंजनी गोपाल, कृष्ण गोखले, अरविंद सिंह, अब्दुल सलाम कुरैशी, रामानुज दुबे, राकेश पांडे, उपेंद्र सिंह, अरुण सिंह, बिहारी सिंह, संपत सिंह, शिवशंकर चौबे, लुटावन चौरसिया, सुरेंद्र चौधरी, रोहित कुमार सिंह सहित कई नेता व कार्यकर्ता उपस्थित रहे। आज अखिल भारतीय कांग्रेस के निर्देश पर भोजपुर जिला कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में एक दिवसीय धरना का आयोजन प्रदर्शन हम सभी LIC ऑफिस के समक्ष कर रहे हैं। भारत के प्रधानमंत्री ने बिना सोचे समझे और बिना किसी गारंटी के LIC के निवेशकों का पैसा अडानी समूहों में लगा दिया था। आज उसका पूरे देश में हंगामा मचा हुआ है। गरीबों के पैसा, किसानों के पैसा, मजदूरों के पैसा जो मेहनत करके LIC में अपना जमा किए अपने बाल बच्चों के लिए, आज वो खतरे में पड़ गया है। उसकी जांच के लिए जो विभिन्न तरह के सूचनाएं TV और अखबार के माध्यम से भारत सरकार दे रही है, उसकी जांच के लिए हम सभी कांग्रेस के लोग JPC का गठन ज्वाइंट संसदीय समिति से कराने के लिए आज LIC ऑफिस के समक्ष हम प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारी मुख्य मांगे हैं JPC का गठन करो और अडानी को दिए गए पैसे, जो श्रमिकों का पैसा, नौजवानों का पैसा, किसानों का पैसा है, उसे सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश या संयुक्त संसदीय समिति JPC के तहत निष्पक्ष जांच, हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट के विस्तार से जांच की जाए, यही हमारी मांग है और इसको लेकर के हम सभी कांग्रेस के लोग आज यहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं। जैसा कि अध्यक्ष जी ने बताया और पूरे देश में जो एक गरीबों को पैसा लूट कर अमीरों के देने की आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मित्र अदानी और अंबानी का एक गोरख धंधा चला है, उसी के अवसर उसी के लिए आज आरा के जिला आदरणीय त्रिवेणी सिंह जी के नेतृत्व में आज LIC दफ्तर पर प्रदर्शन हुआ। जो हमारे प्रधानमंत्री अपने के चौकीदार कहते थे, आज वो चौकीदार नहीं पूरे देश को हिस्सेदार बनकर बेच रहे हैं, ये बात सच है। और हम लोगों के सर्वमान्य लीडर, कांग्रेस के लीडर राहुल जी ने भी पदयात्रा किया इसी सब को लेकर, उसी संदर्भ में आज प्रदर्शन था। हम लोग भी, मैं शशिभूषण पांडे, मनोज शर्मा जी पटना से चलकर इस प्रदर्शन में
इनका सहयोग करने आए हैं।